आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में मोटापा व अन्य व्याधियों से पीड़ित लोगों के लिए आवासीय शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के पहले दिन ही शिविरार्थियों ने आश्चर्यजनक रूप से आधा से 2 किलो तक अपना वजन घटाया। देखो कितना कम होता है इससे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 50 से ज्यादा भाई बहनों के तो सारे टेस्ट कर रहे हैं, माने पूरे ब्लड के टेस्ट, उनकी बॉडी कंपोजिशन, बीएमआई, करीब एक भाई बहन के ऐसे 50 से ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी वेट, बीपी, शुगर तो सभी का चेक होता ही रहेगा, या वेट तो सबका चेक हो रहा है। दिन में किसी को शुगर की ज्यादा कम बढ़ जाता तो उसको दिन में चेक करते रहेंगे। बीपी के लिए भी आप आराम आराम से करना ही अभ्यास, जिनको ब्लड प्रेशर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो हो ही जाता है। अभी आपको उदाहरण के लिए खाली सामने वाली पंक्तियों के, खाली सामने वाली कहीं से भी उठा के देख लो, चावल हंडिया में पक रहे हैं तो 2-4 उठा के देख लो, तो 2-4 बहनें इधर से खड़ी हो जाओ, ये मेरे सामने वाली 4-5 खड़ी हो जाओ, तुमने बस ज्यादा नहीं खड़ी हो, बाकी मत खड़ी हो ना, अपना जिस मशीन पे पहले वजन किया था कहाँ किया था तुमने, चलो जाओ जिस मशीन पे पहले वजन किया था वही वजन करके आओ, इधर से भी 5-7 यहीं से खड़े हो जाओ, बस ज्यादा नहीं, अरे पीछे वाले मत खड़े हो, बाकी बाद में सबका करेंगे, ये मशीन यहीं पर रहेंगी, और मत खड़े हो, बाकी अनुलोम विलोम करो, तो आपको 5 मिनट में वजन करके आ जाएंगे। तो ये खुद ही बताएंगे कि अब 2.5 घंटा हो गया अपने को, करीब 5 से 7:30 बजने वाले हैं। सारी दुनिया भी आस्था के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देखती है, बाबा करवा क्या रहे हैं। अपना वेट आपने पहले भी देखा है, आप खुद एनालिसिस कीजिए अपना, है ना, अपना वजन खुद चेक करना, एक अपनी पहली उसी मशीन पर करना जिस मशीन पर आपने पहले किया था, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। कोई बाबा जादूगर नहीं है, लेकिन ये योग का जादू क्या है ये आपको खुद पता लग जाए। तो चलो इधर से शुरू करते हैं, इधर पहले बहनों का पूछते हैं, तो इधर से बहन बहन से 1, 2, 3 ऐसे पूछते हैं। क्या नाम माता जी आपका? हाँ, मेरा नाम कांता है और मेरा 700 ग्राम वजन कम हुआ है। 700 ग्राम तो अभी कम हो गया, ये ढाई घंटे का ही सत्र है और ये माता जी की उम्र ज्यादा है और फिर भी ये कोशिश कर रही थी, मैं सामने बैठी हुई थी। ओम बाबा। हाँ। हमारा नाम आराधना है, हम लखनऊ से आए हुए हैं और हमारा 909 ग्राम कम हुआ है। यहाँ 900 ग्राम 900 ग्राम। हाँ। आई थी तब कितना था? 81 था। हाँ। अब 80.1 है, 80.1 900 ग्राम कम हो गया इसका जी। दूसरी तीसरी, हेलो, बहुत दिनों से क्या, बोलो बोलो बोलो, ये बहुत दिनों से बोले कम बाबा, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, वहाँ लखनऊ में हम रिसर्च जो चल रहा है आपका उसमें भी करवा रहे हैं, वहाँ 1 महीने से कर रहे थे, 1 kg वेट कम हुआ है वहाँ, 1 महीने में 1 किलो कम हुआ, यहाँ गुरु के सानिध्य में 1 दिन में 1 किलो कम हो गया। बाबा अभी तो 1 दिन पूरा नहीं हुआ, अभी तो शाम का सत्र बाकी है। बाबा हम बहुत मुश्किल से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी छोड़ के गाँव भेजा और फिर यहाँ आए। चलो हाँ। अब खुश होगी ना, पहले बहुत खुश है बाबा, बहुत। चलो अगला पूछ लो। प्रणाम बाबा जी, मेरा वेट 92 और 500 ग्राम था। हाँ। अभी मैं करके आई हूँ 91 और 400। हाँ, तो करीब 900 ग्राम कम हो गया ना। तो एवरेज आप देखेंगे तो पहले ही दिन आपको ऐसे 1-1 किलो कम मिलेगा। चलो अगली बहन से। मेरा 1 किलो 300 ग्राम कम हुआ है अभी के अभी। ये पूरा, ये इसकी उम्र थोड़ी कम है नहीं बिटिया की, तो ये पूरा कर रही थी, ज्यादा कर सकती है ना वो कम उम्र वाली, तो ये उम्र भी कम, ज्यादा कम उम्र में जल्दी कम हो जाता है। क्या नाम बेटा? अजीता। अजीता का 1 किलो 300 ग्राम 1 किलो 300 ग्राम। हाँ, ये विनर है इनकी। इसके बगल वाली दूसरी माता जी। हाँ हम, स्वामी जी आप जिन्हें चरना चाहे प्रणाम। प्रणाम। मेरा 80 से गा सुबह 80 था। हाँ जी, ते अब हूँ 79 है। 79। हाँ जी, 1 किलो कम कर लिया। मेरा 73 950 था, अभी 72 500 है। 800 ग्राम। चलो इसका इसका बाबा जी, बाबा जी मेरा 67 850 था, 67 150 रह गया। अब सबको होड़ लगी हुई है बताने की, बाबा जी आपने कम कर लिया। बाबा जी आपके चरणों में प्रणाम,
मैं पहले भी आई थी, दो शिविर एक साथ की थी, तो 10 किलो वजन कम करके गई थी। अभी भी मैं दो शिविर अटेंड करूंगी दोनों, अभी मेरा 800 ग्राम कम हो गया है। चलो अभी माता पूरा दो शिविर अटेंड करने के इरादे से आई है। ओम, मेरा 800 ग्राम कम हुआ है। चलो इसका तो ज्यादा था भी नहीं इतना, चलो हो गया। अब इन भाइयों से पूछते हैं। बाबा जी मेरा यहाँ पे 98 किलो 900 ग्राम था, अभी 97 किलो है, 1 किलो 900 ग्राम कम हुआ है। 1 किलो 900 ग्राम जी, आपको भ्रांति तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं अभी तुरंत सुबह तौल के आया था ना। ये तो कमाल ही हो गया अरुण सिंह जी, 1 किलो 900 ग्राम कम कर लिया भाई। हा? तो कुछ सोच रहे होंगे बाबा ये हमारा कैसे कम नहीं है, मैंने एक बात बोली थी ना करते करते बस मेरा वेट कम हो रहा है। मैं बात ऐसे थोड़ी बोल रहा था, मजाक में थोड़ी बोल रहा था, मेरा वेट कम हो रहा है, मैं पतली हो रही हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ, ऐसे सोचते रहो सोचते रहो, बॉडी माइंड सब केमिकल सोर्स हार्मोन सब चेंज हो जाते हैं। करते करते ही तो सबकी बॉडी और माइंड की फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं होती है। यदि एक जैसी हो जाए तो ये अरुण सिंह जी की तरह 1 किलो 900 ग्राम भी दोबारा करके आया अरुण सिंह ये दो बार पहले ही करके आया हुआ है, इसको खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ भाई। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं केपी सिंह राजपूत हूँ और मेरा वजन 86 किलो था, अब 85 किलो 200 ग्राम रह गया है, 800 ग्राम कम हुआ है। 800 ग्राम अच्छी बात है। चलो इस दूसरे भाई को दे दो, इधर जबान सा खड़ा। 91 था, 90 हो गया, 1 किलो घट गया। अभी नमस्कार, तमिलनाडु होसर से गानाराम आ रहा हूँ। कहाँ से? तमिलनाडु होसर से। तो होसर से आया हो? हाँ, तमिलनाडु से, वहाँ तो मैं जाके आया हूँ। मैं आपका बेंगलोर का शिविर अटेंड किया था, 3 दिन के अंदर 3 kg का वजन घटाया था, और आज का शिविर आपका अटेंड करके 1 किलो 700 ग्राम वेट कम किया। 1 किलो 700? हाँ, 1 किलो 700। कितना था? 95 100। 95 और 100 ग्राम। अभी 93 350 है। ये लो, ये दो अरुण सिंह और दूसरा ये भाई आ गया होसर वाला, एक लखनऊ वाला और एक तमिलनाडु वाला, केरल वाला। बाबा नमस्कार। मेरा वजन अभी 81 था, अभी 79.5 आया। 1.5 किलो कम कर लिया। क्या नाम बेटा? नवनीत सिंह। क्या करते हो? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो बैंक में जॉब करता है, वहाँ तो बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है और इधर जो है अब ये अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं होता, ये हो कैसे रहा है? तो ये है योग की महिमा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा 1 किलो 200 ग्राम वजन कम हुआ सर। 1 किलो 200 इसका कम हो गया भाई। प्रणाम बाबा, 1 किलो कम हुआ है वजन आज। 1 किलो तो बहुत है, 2.5 घंटे में तो हुआ अभी। चलो दूसरी जवान से। बाबा जी को प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम संदीप यादव है, नारनौल से आया हूँ। मेरा 1 किलो 400 ग्राम कम हो गया। 1 किलो 400 ग्राम, ये संदीप यादव देख लो भाई। हरिओम बाबा जी। हरिओम हरिओम। मैं दिल्ली से नवीन ददलानी, मेरा 1 किलो कम हुआ। एक तो आपके सामने लगभग लगभग एग्जाम्पल है कितना कम हो रहा है, आधा से 1 किलो, और अपवाद रूप में किसी किसी का 1.5 किलो और 1 किलो 900 ग्राम भी कम हुआ है। अब ये किससे कम हुआ है? योग से। तो ये सारी महिमा किसकी है? योग की। स्वामी जी राम राम। एवरेज 1 किलो तो हो ही रहा है। राम राम स्वामी जी। राम राम भाई। स्वामी जी मैं तो कम नहीं करना चाहूँ था, लेकिन 1 किलो कम हो गया, मैं लड़की के साथ मारे हूँ, शुगर टाइप है। तो ये तो उस साथ में आया हुआ था कि बिटिया को शुगर थी उसको ला रखा है। प्रणाम। मेरा 700 ग्राम कम हो गया है। जो भी करें बात। चलो बैठ जाओ, बाकी बैठो बैठो, ये तो एग्जाम के लिए। अच्छा बताओ ए माताओ, जब चावल पकाती हो हंडिया की, पूरी हंडिया देखती हो या दो चार चावल? तो दो चार चावल की बजाय हमने तो सैकड़ों चावल देख लिए है, हमने तो सैकड़ों चावल दिखा दिया आपको। इस आवासीय शिविर में आज दोपहर भी पूज्य महाराज ने शिविरार्थियों को प्राणायाम व ध्यान का प्रशिक्षण दिया। Thank you.
जब भी योगाभ्यास प्रारंभ करें तो कम से कम 3 बार ऐसा लंबा गहरा ओंकार का उच्चारण अवश्य करना। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और फिर श्वासों के साथ ध्यान, ये 8 प्रकार की विधियों को श्रद्धा पूर्वक करने से अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है। दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में रखेंगे, ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश इन 5 तत्वों से ही ये 5 भौतिक शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँख कान नासिका त्वचा और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पाणी पाद पायु उपस्थ और वाग, हाथ पैर मल इंद्रिय मूत्र इंद्रिय और वाक इंद्रिय जिससे हम बोलते हैं, यानी जीव 2 काम एक साथ करती है, ये बोलती है इसलिए काम करती है, इसलिए कर्मेंद्रिय भी है, इसको स्वाद का ज्ञान होता है इसलिए ज्ञानेंद्रिय भी है। ये 5 भौतिक पूरा शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये स्थूल शरीर है, इसके पीछे एक सूक्ष्म और एक मूल शरीर कारण शरीर है। 5 प्राण हैं इसमें, कंठ से ऊपर जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा उदान है। आँखों से देखना, कानों से सुनना, दिमाग से सोचना जिससे संभव हो पाता है। प्राण रुक गए तो बोले इसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण की गति बंद तो जीवन की गति ही बंद हो जाती है। कंठ से ऊपर जो वायु काम करता है उसका नाम उदान प्राण है। क्या है बोलो? कंठ से लेकर के हृदय तक जो शरीर में वायु काम करता है इसकी संज्ञा प्राण है। क्या है बोलो? प्राण माने कंठ से लेकर के और फेफड़े हृदय जिससे कार्य करते हैं वो प्राण है। हृदय से लेकर के नाभि तक शरीर में जो वायु है इसका नाम समान है। जो हम खाते पीते हैं उसका पाचन होता है। यदि हमारी जठराग्नि, ये जठराग्नि क्या है? पेट में जो अग्नि है ये कहाँ से आती है? ये प्राण से ही आती है। तो हमारे भीतर ज्ञान भी नॉलेज भी प्राण से है, हमारा हार्ट भी प्राण से धड़क रहा है और हमारी जो ये जठराग्नि है शरीर में अन्न को पचाने की जो ताकत है, कहते हैं इसकी तो जठराग्नि कमजोर पड़ गई, तो ये प्राणाग्नि ही है। प्राणाग्नि को ही कायाग्नि कहते हैं। ऐसे तो इसको नाम दिया जाता है सप्त धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और जठराग्नि। ये 13 अग्नियां हमारे शरीर में, वो समान प्राण से। नाभि से नीचे जो प्राण है उसका नाम है अपान। क्या बोलते हैं? वैसे भी जो विंड निकलता है उसको भी ऐसे बोल दिया जाता है, इसने अपान वायु छोड़ दिया, ऐसे अपान वायु। शरीर में से मलों को निकालना माने चाहे टॉयलेट है चाहे यूरिन है ठीक ठीक साफ हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों का डिस्टर्ब रहता है, मैक्सिमम लोगों को या तो टॉयलेट की या तो यूरिन की कोई ना कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती है उसके अंदर। पूरे शरीर में जो नसनाड़ी में व्याप्त है उसका नाम है व्यान। क्या नाम है बोलो? व्यान। फिर 5 उपप्राण है, नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय उनको बोला जाता है। 5 कोश हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश। शरीर में 8 चक्र हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय फिर विशुद्धि आच्या फिर ये इसको बिंदु चक्र या लनाया चक्र कहते हैं, फिर सहस्रार। 8 चक्र हैं शरीर में। कितने? 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 2 आँख, देखो 2 द्वार, इनसे शरीर में कुछ जाता है, आँखों से बहुत कुछ जाता है, कानों से बहुत कुछ जाता है, ये द्वार हैं इसके। और ये शरीर अयोध्या है, ये किला है बहुत बड़ा। इन दरवाजों पर प्रहरी ठीक नहीं होंगे तो इसमें कोई भी गलत चीज़ घुस जाएगी और तुम पराजित हो जाओगे। 2 आँख, 2 कान,
धुना कि एक मुख, ये सप्त द्वार ऊपर है, पायु पस्थ दो द्वार नीचे, कितने दरवाजे हैं इसमें? नो, अष्ट चक्र नौ द्वार है, 72,72,10,201 नसनाड़ियां हैं। लंबा गहरा श्वास भरो, प्राणायाम से ये अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं, नौ द्वार हमारे शुद्ध हो जाते हैं, 72,72,10,201 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच भौतिक देह, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, अंतःकरण चतुष्ट, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे भाव से करना है बस, मेरा पूरा अस्तित्व दिव्यता से भर रहा है। ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है। वन सेल इक्वल टू वन बॉडी, शरीर की एक कोशिका एक पिंड के बराबर है, शरीर की एक कोशिका एक ब्रह्मांड के बराबर है। वन सेल इक्वल टू वन यूनिवर्स, इतना रहस्यपूर्ण रोमांचक है अपना शरीर। अभी वैज्ञानिक लोग भी शरीर की एक कोशिका का भी रहस्य अभी तक नहीं जान पाए हैं। अपने इस दृश्य और अदृश्य अस्तित्व को, व्यक्तित्व को पुष्ट करने के लिए ये प्राणायाम और ध्यान है। अभी तो अपने भीतर बहुत कुछ अननोन है, अज्ञात है। भस्त्रिका प्राणायाम करना हो भाव से, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, पूरे रिलैक्स होकर के करना, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से करना। चारों ओर से, सब ओर से, सब दिशाओं से भगवान का आनंद वर्ष रहा है मुझ पर। गॉड इज helping me, God is blessing me, God is showering his compassion on me, God is bestowing his mercy on me, be positive, think positive, पूरी तरह से सकारात्मक रहे और भगवान के अनुग्रह को, भगवान के आशीषों को स्वीकार करने वाले बने। माथा सहज, आंखें सहज, पूरा मुखमंडल सहज, मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल, हाथ पैर पूरी तरह से सहज। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वासों के साथ पूरे अस्तित्व को दिव्यता से भर रहे। आनो भद्रा कृतो यन्तो विश्वतः, रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, रमे रोम रोम प्रतिपालक हो मेरे,
सुख शांति भरे वैभव सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे आनंद सुधारस से आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो आनंद सुधारस से जीवन जगमग कर दो कपाल भाती एक सेकेंड में एक श्वास बाहर निकलेगा वन सेकेंड वन स्टॉप रिदम के साथ करना जग का उत्पादक तू प्रेरक व विकासक जग का उत्पादक तू प्रेरक व विकासक श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू दुख द्वंद विना सकतो निज ओज तेज भर कर निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो समय भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना के समय पूरी तरह से अपना मन भगवान में ही लग जाए। आइए मिलकर के सब प्रार्थना बोलते हैं। हम ध्यान धरें तेरा प्रभु तेरी शरण में रहे हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलू नहीं। मिलकर के आइए गाते हैं प्रार्थना। हम ध्यान धरें तेरा श्रुति गान करे तेरा गाइए हम ध्यान धरे तेरा श्रुति गान करे तेरा हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे शुचि पूर्ण
सुकर्मों से शुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल करो शुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल करो प्रभु जी न कानो हाथ उठा करके जोर से ताली बजाते हुए से हृदय से पुकार उठती रहे हमारे हृदय में हे नाथ तेरी शरण आपकी शरण मेरा सब मेरे साथ मिलकर के गीता का एक श्लोक बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चलो कपालभाति प्राणायाम कि प्रभु आपकी शरण में आप ही मेरे सब दुख हरो सब रोग हरो प्रभु आप ही अनुग्रह करो कृपा करो। कपाल भाती प्राणायाम ऐसे भाव से करना। देखो एक शारीरिक प्रभाव होता है एक मानसिक प्रभाव होता है और एक आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रभाव होता है। ये सबसे बड़ा है। वी कैन फील द फिजिकल इफेक्ट वी कैन एक्सपीरियंस द मेंटल इमोशनल इफेक्ट्स। ये तो आप लोग देखते हो लेकिन ये आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है ये पूरी तरह जब सरेंडर हो जाते हैं भगवान के प्रति तब उसका अनुभव होता है तब हमारे भीतर भगवान ही प्रकट हो जाता है और वो हमारे सारे रोग सारे दुखों का सारे द्वंद्वों का अंत कर देता है। और इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको कोटि कोटि ऋषियों ने एक्सपीरियंस किया है और आप इसको आज ही अनुभव कर सकते हो। ये कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है कि इसके लिए कोई साधु सन्यासी योगी बनना पड़ेगा घर परिवार सब छोड़ना पड़ेगा और छूटता कुछ भी नहीं है याद रख लेना। ये तो एक मन की स्थिति है कि आप भगवान को सबसे ऊंचे स्थान पर रख लें और फिर भगवान ही की ज्योति को सब में देखने लगे। यही भगवान का अनुभव है। इसलिए भगवान को देखने वाली चीज़ नहीं है अनुभव करने वाली चीज़ है। कपालभाति करते रहो और इस भाव के साथ प्रभो तेरी शरण प्रभु आपकी शरण। बहुत ठोकरें खाई हैं प्रभु डॉक्टरों की वैद्यों की हकीमों की ज्योतिषियों की बहुत ठोकरें खाई। किसी ने बताया तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है किसी ने बता दिया राहु किसी ने केतु किसी ने भूत प्रेतों का चक्कर बता दिया किसी ने वास्तु दोष बता दिया किसी ने वात पित्त कफ का दोष बता दिया किसी ने प्रारब्ध का दोष बता दिया किसी ने कर्मों का दोष बता दिया। प्रभो आत्मा तो निर्दोष है मैंने सुना और प्रभो आप तो सब दोषों को हरने वाले हैं आप तो कृपालु हैं दयालु हैं। प्रभो मैं आपकी शरण में आऊं मेरे सारे दुख मेरे सारे द्वंद मेरे सारे रोग मेरी सारी पीड़ाएं मेरे सारे मन के क्लेश मेरे भीतर जितने भी विकार हैं
हे प्रभु आपका तो नाम ही हरि है, आप सब विकारों के हरने वाले हो। कपाल भांति करते रहो, बैठो मत। देखो प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलने चाहिए। क्या शब्दों का प्रयोग किया? प्रार्थना और पुरुषार्थ। फिर देखो जीवन में दिव्य रूपांतरण घटित होगा। अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दो, कुछ ना स्ट्रेस में रहते हैं, माथे में भी स्ट्रेस, बॉडी में कंधों में भी स्ट्रेस, ऐसे यहाँ छाती में भी स्ट्रेस, एकदम ऐसे सहज रहो ना जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। देखो ऐसे रहना ये गलत है, ऐसे रहना ये भी गलत है, ऐसे रहना ये भी गलत है, एकदम सहज रह जाओ। जब हम पूर्ण प्रेम की स्थिति में रहते हैं, सहज होते हैं, कंप्लीट सरेंडर भगवान के लिए, पूर्ण समर्पण, ऐसे लेके साथ करते थे। इसको बोलते हैं संकल्प सिद्धि, इसको बोलते हैं संकल्प समाधि। संकल्प से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। आपको अपने पिनक्रियाज को एक्टिवेट करना है ना, तो देखो ये ध्यान, ये संकल्प सिद्धि या संकल्प समाधि क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। जिनको शुगर है वो यहां पर मन को टिकाना, विचार करना मेरे पिनक्रियाज के बीटा सेल्स डीएक्टिवेट हो रहे, करते 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 एक ही दिन में डायबिटीज के पेशेंट्स की दवाई तो छूटती है, इंसुलिन तक मैंने बंद होता हुआ देखा है। 50 यूनिट इंसुलिन एक दिन में बंद हो जाता है। ये होता है स्पिरिचुअल इफेक्ट, ये होता है आध्यात्मिक प्रभाव, ये होता है ईश्वरीय प्रभाव, ये होती है भागवत कृपा जिसको कहते हैं ना आप लोग। कपाल भात करते हुए पेनक्रियाज में मन को कंसंट्रेट किया और मेरे पेनक्रियाज के सेल्स एक्टिवेट हो रहे, एक्टिवेट हो रहे, एक्टिवेट हो गए, मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूं। ये चिंतन, ये संकल्प, यही संकल्प समाधि है। क्या है बोला? ये संकल्प समाधि। जिनको ऑबेसिटी, और ओबेसिटी में भी जहां की ओबेसिटी आपको ज्यादा परेशान करती है, तो मेरा ये वेट कम हो रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, एक एक श्वास के साथ मेरा वेट बह रहा है, बाहर निकल रहा है, बर्न हो रहा है, घुटने में दर्द है, मैं तो मेरे घुटने रिपेयर हो रहे हैं, मेरे कार्टिलेज घिसे भी दोबारा से आ रहे हैं, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं। दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज साइंटिफिक ट्रूथ। ये खाली कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कुछ कहता हूं विज्ञान सम्मत बात ही कहता हूं। मैं यद्यपि उत्साह में बोलता हूं हमेशा, लेकिन उत्साह में भी अवैज्ञानिक बात नहीं कहता, नॉन साइंटिफिक बात नहीं करता, अनसाइंटिफिक बात नहीं। करो कपाल भाती, कर लो। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो मेरे T3 T4 TSH का बैलेंस हो रहा है, मेरे थायराइड पर थायराइड स्वस्थ हो रहा है। जिनको हार्ट के ब्लॉकेज है तो मेरे हार्ट के ब्लॉकेज निकल रहे हैं, और ऐसे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया। जिनके किडनी की सेल्स डीजनरेट हो गए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, मैंने उनको कपाल भाती ऐसे आधा आधा घंटा एक एक घंटा करवाया, किडनी ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया, किडनी की डीजनरेट सेल्स रीजनरेट हो गए। ये सत्य है। किसी को शरीर में कोई गांठ है, हाथ में, पैर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ब्रेन में, चाहे वो टीबी वाली गांठ है, ऐसे बेनाइन है, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, चाहे कोई भी सामान्य गांठ है, कैंसर वाली गांठ है, गांठ डिजोल्व हो जाती है। संकल्प पूर्वक करो, मैंने शब्द का प्रयोग किया है संकल्प समाधि, ये शब्द प्रयोग बहुत गहरा है, संकल्प समाधि, संकल्प सिद्धि। इसी को महर्षि पतंजलि ने सविचार समाधि, इस विचार के साथ कर, और करते करते वहां निर्विचार हो जाते तो अपने आप ही निर्विचार समाधि।
सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ये बड़े शब्द हैं, आपने सुने नहीं होंगे बहुतों ने। आप संकल्प पूर्वक प्राणायाम करो, संकल्प में बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है संकल्प। भगवान के संकल्प का परिणाम है ये सारी सृष्टि। भगवान के दिव्य संकल्प का परिणाम है ये सारी सृष्टि। और हम जो भी होते हैं अपने जीवन में, हमारे अपने संकल्पों का ही तो परिणाम होते हैं। हम संकल्प लेते हैं मुझे एथलीट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे नेता अभिनेता बनना है, मुझे संगीतकार कलाकार बनना है। जो हम संकल्प लेते हैं वही हम हो जाते हैं। संकल्प ही का परिणाम है दिस होल लाइफ एंड होल यूनिवर्स। ये सब कुछ भी नहीं है संकल्प के अलावा, संकल्पमय है ये सारी सृष्टि। कपालभाति लय के साथ करो, डो दिस कंटिन्यूअसली, डोंट ब्रेक इट। हाँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सहजता से करो। आप जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को और अपने जीवन को आकार दे सकते हो। आपके हाथों में आपकी जिंदगी और आपकी हाथों में है ये सारी दुनिया। कहते ना दुनिया कर लो मुट्ठी में, तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी सबल होनी चाहिए। ये इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ किससे बना? संकल्प से। पूरी दुनिया में योग का प्रचार किससे हुआ? संकल्प से। आज इतना बड़ा स्वदेशी का आंदोलन किससे खड़ा हुआ? संकल्प से। आज मैं आपके बीच में यहां बैठा हूं एक संकल्प के साथ कि आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप सब मेरी योगी आत्माएं हैं। न जाने कितने जन्मों का आपके साथ संबंध है और आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं उसको हरने के लिए, उनको दूर करने के लिए मुझे धरती पर भगवान ने भेजा है और मुझे वो काम करना है। ये संकल्प है मेरा। आप आए हैं तो एक संकल्प के साथ, आपका मुझसे प्रेम है कि स्वामी जी हमारा दुख हरेंगे, हमारे दर्द हरेंगे, हमारा वेट घटाएंगे, हमारी पीड़ाएं मिटाएंगे, हमारे जीवन में दिव्यता भरेंगे। कपालभाति करते रहिए, रुकना नहीं है। और भाई दफे आप थक जाएं तो अनुलोम विलोम कर लो, चलो। रुकना मना है, थकना मना है, चलो अनुलोम विलोम करा देते। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम सहजता से करना, लंबा लेना लंबा छोड़ना, जल्दबाजी नहीं। कपालभाति में देखो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तीव्रता से वही करें जो पूर्ण स्वास्थ्य है, मोटापा को छोड़कर, मोटापा को अनुलोम विलोम करो। अब लय के साथ आपको करना है और करते करते भगवान से लो लग जाए। ये तो सत्य है कि सबका आधार तो परमात्मा ही है। हमारा मन किस में लगता है? जिसमें मन लगता है उसी में भगवान को देखो। हमारा मन या तो संबंधों में लगता है या तो हमारा मन किसी सुख में लगता है या तो नेम फेम में लगता है या तो सत्ता संपत्ति में लगता है, और कहाँ लगता है। हमारा मन जहां मन लगता है वहीं लगाओ और वहां पर भगवान को ही पाओ। आओ अनुलोम विलोम करते जाओ, रुकना नहीं है किसी को भी। चारों तरफ प्रभु तू ही तू है। कैसा अजब रचनाकार है प्रभु, जिधर देखता हूं तेरी ही तेरी महिमा है। माता पिता बनके तू ही जन्म देता है, गुरु बनके तू ही ज्ञान देता है, पुत्र मित्र बन करके तू ही सुख पहुंचाता है, तू ही पति पत्नी का रूप धारण करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है। सब ज्ञान का, सब प्रेरणाओं का, प्रेम का, सुख का, समृद्धि का, शांति का आधार प्रभु तू ही है। अनुलोम विलोम श्रद्धा से करना, रुकना नहीं है, बस लय के साथ करेंगे। मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, कीजिए सब, फिर देखना पूरा रूपांतरण होगा।
और मैंने मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, जिन रोगों को असाध्य कह दिया जाता है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे कोलाइटिस है, चाहे पेनक्रेटाइटिस है, चाहे वनकाइटिस है, चाहे हार्ट के ब्लॉकेज हैं, चाहे सोराइसिस है, माने जिन रोगों को असाध्य कह दिया गया, SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर तक के रोग हमने ठीक किए, और तो क्या है, बस प्रभु तू ही तू अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, बस रुकना नहीं, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना, देखो जल्दी से नहीं करना है, ऐसे वायु मुद्रा में ऐसे हाथ और आंखें बंद, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, समर्पण से ही रूपांतरण होता है, सबको ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन। भगवान खिलौना माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। सुनन को तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। जिहवा दिए हरी भजन करन को दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का, दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को
शीश दिया गुरु चरण झुकन को और हाथ दिए कर दान इनोना माटी का और हाथ किए कर दान इनोना माटी का तूने खूब रचा भगवान इनोना माटी का तूने खूब रचा भगवान इनोना माटी का माटी का रे माटी का से ये प्राणायाम करते करते प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। इसे कपाल भाति अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप करते जाना और संकल्प के साथ समाधि लगेगी, सिद्धि मिलेगी। जो रोग है, जो विकार है, वही मन को टिका और बस प्रभु के साथ एकाकार हो गया। प्रभु तेरी रिलैक्स, रुक जा, थोड़ा बटरफ्लाई कर। चलो देखो, जब थक जाओ ना प्राणायाम करते समय, तो थोड़ा सा ऐसे पैरों को ऐसे मिला करके हिला लिया, अथवा ऐसे पैरों को सामने खोल करके हिला लिया और रिलैक्स हो। प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना है। प्राणायाम को कैसे करना है, एक अनुष्ठान की तरह पूरे एकाग्र चित्त होकर के क्या करो, फिर देखो इसका प्रभाव। माना कि सबकी बॉडी की टेंडेंसी, माइंड की टेंडेंसी एक जैसी नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा यदि आप में पूरी प्रखर हो जाए ना, तो सब में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ सकता है। सब चीजों का असर होने में थोड़ा समय लगता है, भावनाओं का इफेक्ट एकदम से होता है आपके ऊपर। आपका कोई अपमान कर दे तो गुस्सा होने में एक दो घंटा लगते हैं या एक दो सेकंड, बोलो। तो इमोशंस का इफेक्ट कितनी देर में होता है, एक सेकंड में। कोई ताकत की चीज खाओ तो एकदम से ताकत आ जाती है या कई महीने लग जाते हैं। को ताकत की बादाम खा लो, दो तीन महीने खाओगे तब इफेक्ट आएगा। दवाई भी खा लो, उसका भी कुछ दवाइयों का तुरंत इफेक्ट दिखता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। स्थायी असर आने में बहुत समय लगता है। इमोशंस का इफेक्ट एकदम से होता है, इसलिए ये थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम आपको करवाया था। अभी तो सूक्ष्म व्यायाम, फिर लाइट एक्सरसाइजेस की जो प्रैक्टिस है, इसके बाद फिर आपको मोटापा वाले सभी अभ्यास पूरे करने हैं, तो सब पसीना बहाने के लिए तैयार है ना। ये तो सब अभी तैयारी चल रही है आगे की, पूरा पसीना बहाएंगे। आपके कपड़े से जब तक आधा किलो पसीना ना नुचड़ जाए, तब तक आपकी मेहनत ही क्या। जो करो दिल लगा के करो, पूरे समय तो करके करो। हमने ऐसे ही किया, जल्दी योग किया तो उसमें पूरे खो करके किया, कर्म योग किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, तो अपने आप को बचा के रखा ही नहीं। ऐसे आपको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम में थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी। बोले बाबा जी, अभी तो खा पी करके पूरा माल भरा हुआ है। सात दिन तक आप ऐसे रहो कि खा पी करके भी ऐसे लगे कुछ खाया पिया ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी भूख रहनी चाहिए, उससे बूढ़ी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। तुम अपने मेटाबॉलिज्म को एकदम ठप कर देते हो। इधर से हमने सुबह मेटाबॉलिज्म बढ़ाया और ये सब बहुत भूख लगी। अरे भूख लगी रहने देना, थोड़ी 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 आग लगी रहेगी तो ये फैट मेल्ट होगा। वो आग से ही, आग में तो ये चर्बी जलेगी,
तू आग बुझा देता है, हम आग लगाते हैं और तुम बुझा देते हो। तब हमने आग लगाई, अब इसको बुझने मत देना। थोड़ी 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 भूख सी लगी रहनी चाहिए दिन भर, लगी रही थी बताओ? तुम्हें घटाना है, तुमको नहीं लग रही थी, मेरे को सुबह से लग रही है भूख। मैंने थोड़ा सा खाया था सुबह, फिर कोई जरूरी काम आ गया, फिर थोड़ा सा खाने के लिए बैठा तो फिर कोई जरूरी काम आ गया तो थोड़ा सा ही खाया। फिर भयंकर भूख लगी तो यहाँ आने से पहले सेव का एक गिलास जूस पी के आया, नहीं तो बहुत भयंकर भूख लग रही थी। मुझे वजन घटाना नहीं तो भी मैं भूखा भूखा हूँ, और तुमको घटाना है तो भी ठोक के बैठे हो सब ना, ये बात गलत है। भूख सी लगी रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, हाँ पेट में ऐसे 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 होते रहना चाहिए, जैसे कहते चूहे से कूद रहे, थोड़ा ऐसे रहना चाहिए। सुनो, भाव से करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और फिर ये बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। फिर गोल घुमाओगे तो गोल भी घूम जाएगी। तुम भी जरा घुमा के देखो, पूरे घूमोगे, बीच में से निकलता ही नहीं कुछ। फिर उठ जाइए, रोक करके यथाशक्ति फिर बाएं से।